नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, सीएम खट्टर ने किया बाल सेवा योजना का ऐलान। अनाथ हुए बच्चों को सरकार हर महीने देगी 2500 रुपए। अनलॉक की तरफ बढ़ रहा हरियाणा, सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें। किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर दिया बयान, कहा किसान तभी वापस होंगे जब तीनों कानून होंगे रद्द। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बाल सेवा योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत कोरोना संक्रमण की वजह अनाथ हुए बच्चों को सरकार हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद 18 साल की उम्र तक देगी। इसके अलावा हर साल 12000 रुपए भी इन बच्चों को अन्य खर्चों के लिए दिए जाएंगे। यह राशि अनाथ बच्चों को मिलेगी जिनका पालन पोषण परिवार में ही हो रहा है। जिन बच्चों के देखभाल करने वाला परिवार का कोई सदस्य नहीं है, उनकी देखभाल बाल देखभाल संस्थान करेंगे और बाल देखभाल संस्थान को 1500 रुपए प्रति बच्चा प्रति महीना 18 वर्ष तक सहायता भी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि किशोरावस्था में अनाथ हुई बच्चियों को कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में मुफ्त आवासीय शिक्षा दी जाएगी। ऐसी बच्चियों की शादी के लिए अभी से उनके बैंक खाते में 51000 रुपए जमा कराए जाएंगे। वोकेशनल स्टडीज के छात्रों को सरकार टैब भी उपलब्ध करवाएगी। यह लाभ कोविड की पहली लहर और दूसरी लहर के दौरान अनाथ हुए बच्चों को मिलेगा। हरियाणा प्रदेश महामारी के कम होते मामलों को देखते हुए अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में एक और हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन काफी रियायतें भी दी हैं। सीएम ने कहा है कि कोरोना महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को कुछ छूट देते हुए एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जाता है। इसके साथ ही सीएम खट्टर ने कहा है कि हरियाणा में अब दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुल सकेंगी। हालांकि इस दौरान दुकानदारों को ऑड इवन फार्मूला अपनाना होगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य में नाइट कर्फ्यू के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हरियाणा में नाइट कर्फ्यू पहले की तरह ही रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। वहीं सीएम ने बाजारों में स्थित मॉल खोलने की भी इजाजत दे दी है। हरियाणा में कोरोना के नए केसों में कमी आना जारी है। प्रदेश में 24 घंटे में 1868 नए केस मिले हैं, जबकि 97 लोगों की मौत हो गई है। मौतों का आंकड़ा अभी भी 100 के आसपास बना हुआ है, जो कि थोड़ी चिंता का विषय है। इसके साथ ही राहत की बात यह है कि 24 घंटे में 3752 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इसी के तहत अब तक प्रदेश में 722711 लोग कोरोना को हरा चुके हैं। वहीं अब बात करें एक्टिव केसों की, तो इसमें काफी गिरावट आई है। राज्य में अभी एक्टिव केस 23094 रह गए हैं। इसके साथ ही रिकवरी रेट 95.86% पर पहुंच गया है। बता दें कि हरियाणा में कोरोना के कुल 753937 केस सामने आ चुके हैं, जबकि अब तक 8132 लोग महामारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। एक तरफ देश में कोरोना वायरस चल रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसान पिछले 6 महीने से धरनारत हैं। न सरकार पीछे हटने को तैयार है और न ही किसान पीछे हटते नजर आ रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी दोहरा दिया है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते, वे दिल्ली बॉर्डर से नहीं हटेंगे और न वापस घर जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान दिल्ली की सीमाओं को छोड़ने वाला नहीं है। किसान एक ही शर्त पर लौट सकता है, तीनों कानून रद्द कर दो और MSP पर कानून बना दो। राकेश टिकैत ने सरकार को आगाह भी किया कि अगर किसानों पर कार्रवाई की गई तो वे आंदोलन को और अधिक तेज कर देंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि देश भर में आंदोलित किसानों पर कहीं भी किसी भी स्थान पर मुकदमे दर्ज किए गए तो आंदोलन को देशव्यापी धार दी जाएगी। करनाल में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। गुरुग्राम के बाद करनाल हरियाणा का दूसरा जिला है जहां इसकी शुरुआत देखने को मिली। लोगों के अंदर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन को लेकर जबरदस्त उत्साह था। वहीं लोगों ने भी प्रशासन की इस पहल की सराहना की। हमें काफी अच्छा लगा, हम कब से वेट कर रहे थे क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन करो स्लॉट हमेशा बुक्ड आता था, तो ये बहुत ही अच्छा कार्य शुरू किया हरियाणा सरकार ने। बहुत ही अच्छा लगा, हम यहाँ 7:15 बजे आ गए थे। गवर्नमेंट ने हमारे लिए इतना कर रही है, हॉस्पिटल्स में जाकर लगवाने से बेटर है कि यहाँ पे ड्राइव थ्रू से लगवा के जाएंगे टाइम से। लोगों के अंदर एक डर भी है हॉस्पिटल में जाने को लेकर शायद। वैसे इतना डर तो नहीं है क्योंकि इतनी अवेयरनेस तो बात का सबको है ही है। अवेयरनेस है तो एटलीस्ट यहाँ के लगवाने के आए हैं, हिम्मत करी है। कब से इंतजार कर रहे थे आप वैक्सीन के लिए? लंबा टाइम हो गया। दिल्ली से आई थी, मतलब मेरे पास मेरे इन-लॉज यहाँ होते हैं, तो मुझे लगता है रजिस्ट्रेशन का अभी स्लॉट ही नहीं मिल रहा था। करनाल में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर देखने को मिल रहा है। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस की बीमारी ने डराया हुआ है।
करनाल में अब तक ब्लैक फंगस के 42 मामले सामने आ चुके हैं, वहीं 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है जिनमें ब्लैक फंगस पाया गया था। कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में इन मरीजों का इलाज चल रहा है। इलाज करने के लिए एक मल्टी डॉक्टर्स की टीम बनाई गई है। चिंता का विषय जरूर है कि लगातार जो हमारे ब्लैक फंगस के म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर करनाल मेडिकल कॉलेज की हम बात करें तो कल 4 नए केसेस और डायग्नोज हुए थे और अब तक 42 कन्फर्म्ड केसेस जो हैं वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में आए हैं और अनफॉर्चुनेटली 10 ऐसी डेथ्स हैं जिसमें कि ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस पाया गया था। तो चिंता का विषय जरूर है लेकिन सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरे इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पहले 20 बेड जो वहाँ पे बेड्स आरक्षित किए गए थे उनकी बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है और इसके अतिरिक्त एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। तो जैसा आपको पता है कि म्यूकोरमाइकोसिस में डिफरेंट एरियाज जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें ईएनटी, आई, डेंटल का और ये तीनों की एक जो है और सर्जन जो है एक कंबाइंड टीम जो है वो तैयार की गई है मेडिकल कॉलेज में, जिसमें जहाँ भी किसी पेशेंट को अगर इमीडिएटली कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट है तो वो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट किया जा सके। उपमंडल घरौंडा के गांव डिंगर माजरा में भगवान श्री विश्वकर्मा की मूर्ति खंडित किए जाने पर विश्वकर्मा समाज के लोगों ने रोष जताया। मंदिर में समाज के लोग इकट्ठे हुए। इसके साथ ही जिले भर की विश्वकर्मा समाओं के प्रतिनिधियों ने समाज के लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि जल्द ही दोषियों को न पकड़ा गया तो उपायुक्त करनाल को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की जाएगी। यदि फिर भी समाधान न हुआ तो विश्वकर्मा सभा के लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे। सभा के पदाधिकारियों ने कहा है कि अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा यह घृणित कार्य जो किया गया है, हालांकि पुलिस इसके मामले में तफ्तीश कर रही है लेकिन दोषियों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हिसार रोड स्थित नहर में पानी पीने के लिए गए युवक का शव न मिलने पर परिजनों ने गुस्से होकर हिसार रोड पर जाम लगा दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जाम की सूचना पाकर डीएसपी वीरम सिंह मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया लेकिन परिजन नहीं माने और जाम लगाए रखा। आपको बता दें कि गांव स्मैन निवासी 26 वर्षीय कुलदीप शनिवार को किसी कार्य के लिए टोहाना आया था। जब वह पानी पीने के लिए फतेहाबाद ब्रांच नहर के पास गया तो पांव फिसलने से नहर में गिर गया और उसका शव अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हिसार चंडीगढ़ रोड पर जाम लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। हम ये चाहते हैं भाई एक बार कम से कम इस नदी का ही लेवल को डाउन करा दे। मारे जो बच्चे हैं रात से 20-25 हैं, इनके पांव अगर इनके पांव नीचे लगे ढूंढ तो लेंगे बच्चा है कहाँ पे। ये जी पानी पीने के लिए पानी नीचे झुका था, उसके झुकने के बाद पैर चिछड़ गया, उसके पैर चिछड़ने से वो मर गया जी। उसके जो साथ लड़का था जी वो बचाव की कोशिश करने लगे जी, वो भी घबरा गया, रुक के राके मारे, इतना बच्चा गुम हो गया जी, पूरा परा देखा कोई मिलना जी, पानी ज्यादा बहाव है जी, पब्लिक डरती है। पंजाबी समाज वंशज अरुण जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में पंजाबी समाज ने आज मिशन हॉस्पिटल में 2 आईसीयू बेड व 200 खाने के पैकेज कोरोना मरीजों को दिए। इस उपलक्ष्य में हरियाणा प्रधान एडवोकेट संजीव सचदेवा ने कहा कि पंजाबी समाज हमेशा ही संकट की घड़ी में प्रत्येक व्यक्ति के साथ खड़ा है। आज हॉस्पिटल के स्टाफ और मरीजों के लिए 200 के करीब खाने और 200 N95 मास्क हम सब लोगों ने पंजाबी बिरादरी के सदस्यों की तरफ से मिलकर डॉक्टर सादिक मिशन हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं इनको दिए हैं। इसमें हमारे साथ शक्ति संगठन और स्वास्थ्य फाइनेंस के साथी भी हमारे साथ आज हैं, इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर इतना ही कहूँगा कि हम सब लोगों ने ये ठाना है कि अरूट जी महाराज ने जो हमें शिक्षा दी कि हम अपने परिवार का पालन करते करते समाज और राष्ट्र के लिए भी अपनी सेवाएं दें। सेवा ही परमो धर्म के चलते भाजपा नेता व कार्यकर्ता सभी को मास्क व सैनिटाइजर वितरित कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व अंबाला की प्रभारी बंधु कटारिया ने अंबाला जिले में महिला मोर्चा को साथ लेकर मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए। 2-7 साल में जैसे कोरोना समय चल रहा है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और हरियाणा प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने ये संगठन ही सेवा है इस माध्यम से अपने कार्यक्रम शुरू किए हैं कि हर सांसद, हर पदाधिकारी, हर जिलाध्यक्ष सबको अलग अलग काम बांटे हैं। जैसे युवा मोर्चा के लिए काम है ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, मेरी ड्यूटी महिला मोर्चा के अंबाले की प्रभारी बनाने के और आज के इस नियमित कार्य के लिए महिलाओं को मास्क बांटने, सैनिटाइजर बांटने और सैनिटरी पैड बांटने, अभी ये 3 चीज महिलाओं को घर घर जाके देना
और उनसे पूछना कि आप कोरोना पीरियड में आपका परिवार ठीक है, आप सुखी हैं, आप स्वस्थ हैं। डीएलएस से अंबाला अब लाखों लोगों का सहारा बनेगा। लीगल एड के साथ साथ अब स्वास्थ्य को लेकर भी जानकारी दी जाएगी। वहीं कोरोना में नाथ हुए बच्चों को बड़ा सहारा मिलेगा। बता दें कि सेशन जज नीरजा कंसल और सीजीएम सुखदा प्रीतम की अगुवाई में डीएलएस लगातार सामाजिक कार्य कर समाज में बड़ा योगदान दे रहे हैं। मिशन हरियाली फ्री लीगल एड के बाद अब फ्री स्वास्थ्य सर्विस को लेकर डीएलएस अग्रसर है। यही नहीं बल्कि जितने भी अनाथ बच्चे जो जिन्होंने कोविड के द्वारा अपने माता पिता को खोया है, उनकी भी देखरेख डीएलएस द्वारा की जाएगी। वन इज डॉक ऑन कॉल, जिसमें हमें वॉलंटियर डॉक्टर्स मिले हैं जिनके जो कि फ्री कंसल्टेशन देंगे कोविड के पेशेंट्स को। इस बारे में हमने पहले भी लोगों से बात की थी, वो अपने आप आगे आए हैं इन सर्विसेज को देने के लिए। दूसरा है स्नेह और विश्वास, इसमें जैसे कि हमने पहले बताया था उन बच्चों के पेरेंट्स जिनके पेरेंट्स इसमें कोविड में चले गए हैं और जिनको फैमिली की फॉस्टर केयर की फाइनेंशियल असिस्टेंस की और एजुकेशन या रिहैबिलिटेशन में ज़रूरत है, उन बच्चों के लिए ये एक प्रोजेक्ट है जो हमने स्टार्ट किया है। डीपीओ से हमें लिस्ट आ गई है जिसमें 12 ऐसे बच्चे जिले में पाए गए हैं। क्लाइद के वार्ड 1 में सीवरेज ओवरफ्लो होकर गंदा पानी घरों और गलियों के बाहर जमा हो रहा है, जिसके कारण स्थानीय लोगों की समस्या बढ़ गई है। वार्ड 1 निवासियों ने बताया कि करीब 10 दिनों से सीवरेज लाइन ब्लॉक होकर ओवरफ्लो हो गया है और सीवर का सारा गंदा पानी घरों और गलियों के बाहर जमा हो रहा है। बदबू के कारण उनके घरों में रहना और खाना पीना मुश्किल हो गया है। घरों के बाहर जमा गंदे पानी के कारण मोहल्ले में बीमारी फैलने का भी डर सताने लगा है। बदहाल सीवरेज व्यवस्था को लेकर वे कई बार जन स्वास्थ्य विभाग को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से समस्या का जल्द समाधान करवाए जाने की मांग की है। क्या समस्या आ रही है? समस्या सीवरेज की, सीवरेज साफ नहीं हो रहा जी, लेट भर दिन भर जाएगी। कब से आ रही है ये समस्या? ये 10 दिनों से आ रही है जी। फिर एप्लीकेशन वगैरह दी? एप्लीकेशन लिख के आई जी, 2 दिन पहले लिख आए। फिर कोई समाधान हुआ नहीं? एक बार तो भाई ने साफ कर दिया, आज एक दिन आए जी वो पानी का इसमें गंदा निकाल दिया, फिर दोबारा भर गई। और क्या क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? समस्या गंदा पानी है ना, तो कोई लिखड़िया जाने जी, ना कोई बार बच्चे जाता, गंदा पानी तो वापसी घर में जावा है, सील आ रही है जी, रोटी खाना तो बुरा, बाहर परेशान हो रहा है, रात में बाहर का मोटरसाइकिल लिखड़ा है, साइकिल लिखड़ा है, टैपड़े जी, घर में पानी वापसी जान ला रहे जी गंदा, रोटी भी खाना बहुत हो रहा है जमा तो। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।